क्या हाल चाल मेरे दोस्त। आज है डे 5 और हम हैं एमिरेट्स मॉल में और आज जाने वाले हैं स्की दुबई। सारा बर्फ़ से भरा हुआ है, एवरीथिंग इज सो कोल्ड, माइनस में टेम्परेचर होगा, पेंगुइन्स होंगे, आइस एक्टिविटीज़ होंगी, बहुत सारा फन होने वाला है। लेट्स गो। 300 दिरहम्स की टिकट ली है हमने पर पर्सन, कैसा रहता है लेट्स सी। इंजॉय होने वाला है बहुत सारा। ठंड लग रही है सुनगी, ऑलरेडी ठंड लग रही है सुनगी। फुल इंजॉय होगा, फुल इंजॉय। ओके, हम बहुत टायर्ड हो चुके हैं, चल चल के सारी एक्टिविटीज़ कर करके, बट मन नहीं भर रहा है। और थकने के बाद भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और अभी भी मेरा मन कर रहा है कि हम 5-6 दिन और सारी एक्टिविटीज़ करते रहें, और जगहों पर जाते रहें, और चीज़ें एक्सप्लोर करते रहें। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। लाइक अभी भी हम मेरे ख्याल बीच पे तो गए नहीं हैं, और उसके बाद भी बोल चौक नहीं गए, वाटर एक्टिविटीज़ नहीं गए। हाँ, मतलब 5 दिन हो गए हैं, हमने एक चीज़ को कंक्लूड कर लिया है। जो सबसे महंगी चीज़ है यहाँ पे वो ट्रैवल है। मतलब टैक्सीज कैन बी अवॉइडेड, कि जहाँ पे दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जा रहे हैं, इधर बस और मेट्रो। मेट्रो कार्ड बहुत इजीली बन जाता है, हर पॉइंट पे मशीन है, मेट्रो बहुत इजीली चल सकती है, बसेस हैं, एंड द मेट्रो एंड बस कार्ड इज़ सेम, दोनों का कार्ड सेम है, टैप एंड पे होता है बेसिकली, एंड हर पॉइंट पे रिचार्ज का ऑप्शन है। तो कैश नहीं लेते हैं, ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज़ कार्ड, और कार्ड बहुत मिनिमल रेट पे बन जाता है। और मेट्रो का ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा चीप है, 1/4 रेट ऑफ टैक्सी, आई गेस 1/4 रेट, और उससे भी चीप है। मतलब जितना हमने टैक्सी में 5 दिन में ट्रैवल करा है ना, आई गेस हमने बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया टैक्सी पे। तो टैक्सीज वी आर ओनली गोना यूज़ एयरपोर्ट से आना, एयरपोर्ट से जाना, और जिन एरियाज पे टैक्सी नहीं चलती है। करंटली वी आर एट एमिरेट्स मॉल, मॉल ऑफ एमिरेट्स, दुबई का इतना बड़ा मॉल है आफ्टर दुबई मॉल, मेरे ख्याल दुबई में सेकंड बिगेस्ट मॉल यही है। दैट्स अ ग्रेट थिंग, मैं दुनिया का सेकंड बिगेस्ट मॉल कहा, कहते लेफ्ट देख, मेरा मॉल ऑफ एमिरेट्स। मैं ये जब था तो वो क्यों बनाया? ये भी अभी तक पूरा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, हम तीसरी बार आ चुके हैं यहाँ पे 5 दिन के अंदर। कल भी आए थे, फर्स्ट डे पे भी आए थे, फर्स्ट डे पे सिर्फ खाना खाया, कल आए बहुत सारी शॉपिंग करी, मज़ा आ गया लिटरली। अभी भी मन नहीं भरा है शॉपिंग करके, और आज इट्स अ फिफ्थ डे, और लगेज हैवी हो चुका है ना हमारा, हम उससे ज़्यादा लगेज कैरी भी नहीं कर पाएंगे। ओके, फिफ्थ डे, आज सबसे पहले एक्टिविटी जो है आज की, थोड़ा लेट आया, बहुत टायर्ड थे कल की वजह से। कल ग्लोबल विलेज में बहुत वॉक करी हमने, उससे पहले हम मिरेकल गार्डन गए थे, बहुत टायरिंग था, बहुत वॉक करी, बट इम्प्रेसिव, लिटरली बहुत इम्प्रेसिव है। मतलब चीज़ें जो हैं लिटरली यहाँ टच कर रही हैं दिल को, बहुत अच्छा लग रहा है। तो लेट्स सी कि दुबई कैसा रहता है, बहुत सारी बर्फ है, लेट्स गो एंड एंजॉय। अभी भी 3 डेज वी आर लेफ्ट विद, और लिटरली चीज़ें कम्प्लीट नहीं हुई हैं, और मन नहीं कर रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। आई विश कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ पूरी करें, और बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं, अभी भी काफ़ी चीज़ें पेंडिंग रह गई हैं। तो लेट्स गो कैसा रहता है, बट अभी तो स्की दुबई की एक्साइटमेंट है। एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ स्नो, स्की दुबई, बहुत ही अमेजिंग फील लग रही है, काफ़ी सही चीज़ है। बाहर से देखा है, कुछ वीडियोज़ देखी हैं, वेरी अमेजिंग मैन, वेरी अमेजिंग। लेट्स सी कैसा जाता है, लेट मी टेक माई टिकट, प्रिंट आउट माई टिकट्स, उसके बाद देखते हैं कैसा रहता है। तो वी आर गेटिंग द प्रॉपर गेयर्स फॉर द स्नो पार्क, बेसिकली शूज़ मिलेंगे, ग्लव्स मिले हैं, एक क्लोथ्स मिलेंगे प्रॉपर, तो यार हमें ज़्यादा ठंड ना लगे। भाई हम दिल्ली से आए हैं, हमें ठंड नहीं लगती ज़्यादा।
शिमला वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, आ जाओ बहुत ठंड है। लिटरली बहुत ठंड है एंड इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। जैसे पिछली वीडियो में था ना शिमला में ठंड लग रही थी, बर्फ नहीं थी ठंड उतनी थी, यहाँ बर्फ है और डबल ठंड है भाई। शिमला में बर्फ नहीं मिली थी, यहाँ बर्फ मिल गई है, ठंड बहुत है। शिमला की तो सैली पूरी कर ली है, नाउ लेट्स गो। क्या क्या एक्टिविटी इंक्लूडेड है हमारे, लेट्स गो एंड एंजॉय। कम ऑन, कम, यस। वीडियो बनाती रहे ले गए हैं भाई। और दीदी की फट रही है, दीदी को बहुत डर लग रहा है। नीचे देखो तो कितना ऊंचा है, देखना ही क्यों है नीचे। ओ भाई रोक दिया, बीच में रोक दिया। This is not done. पास की जगह ना। I'm scared. You scared and you're laughing? I laugh when I am scared. The only advantage of having a mask is when you will realize when you go to cold places, nose is very warm. All covered. It's so good. क्या कर रहे हैं? हेलो, स्कीइंग चल रही है और ऐसा लग रहा है लोग मनाली में स्कीइंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर। अभी मैगी मिलेगी थोड़ी देर में, ठीक है, उसके बाद फिर हम चाय पियेंगे। हमें बहुत ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, बर्दाश्त के अंदर है, बट दिस इज़ बिकॉज आर्टिफिशियल ठंड लग रही है मेरे को। असली ठंड तो है नहीं, बर्फ भी असली है नहीं। एंड बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है, लोग स्कीइंग कर रहे हैं वेरी प्रोफेशनली, बहुत अच्छी चीज़ें लग रही हैं। आई विश आई शुड हैव डन दिस, हमें आता नहीं है बट स्कीइंग करना है।
याद बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गाम मेहंदी वाले Go inside. Go and jump like that. Hold this phone. Hold the phone. He is going to go down through this tube. This says 45 kilometers per hour ki speed se. No high blood pressure, but this is like baby, huh? Nothing. Baby, no baby. Okay. She is not going. I'm not going. Only he's going. Hold the camera along there. How do I sit? Bit inside. Like this. Okay. Really? Wait. Take the camera. Put it on. This is hot chocolate available at this Avalanche Cafe. You have to come through the chairlift, and this is very tasty. You should try it. If you are coming here, do try it. Very tasty. Or our experience for now? बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है बट इट इज़ वेरी नाइस यू शुड एक्सपीरियंस इट इफ यू आर विजिटिंग दुबई प्लीज़ कीप दिस ऑन योर लिस्ट डोंट थिंक अबाउट द मनी और वट एवर जस्ट डू कीप इट ऑन द बजट इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टू विजिट दिस प्लेस सो वी हैव टेकन टिकट फॉर 300 दिरहम्स दैट इज 6000 इन इंडियन करेंसी बट आई विल टेल यू दिस इज़ वर्थ एवरी पेनी
And this is the best package, I think. Everything is included in this package, all the activities, everything is a part of the package. Just whatever food and everything that you have to buy, that is extra. And you should keep this on your budget. Do try to keep money to come here and enjoy this experience. बहुत ही ज़बरदस्त रहा स्की दुबई, काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्टिविटीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी, बर्फ़ वॉज लाइक ओरिजिनल आई गेस, ओरिजिनल थी या नहीं थी नहीं पता, बट इट वॉज लाइक ओरिजिनल, अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही वंडरफुल था, मतलब इट्स लाइक अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, करना ज़रूर है, लाइक आर्टिफिशियल स्नो एंड इट्स ओरिजिनल एक्टिविटीज़, सो अमेजिंग. अब आ चुके हैं इंडिया, इंडिया वापसी नहीं आया है, दुबई का इंडियन पार्ट, मतलब बेसिकली यहाँ सब कुछ इंडियन है, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन शॉप्स हैं, सारे इंडियंस रहते हैं यहाँ पे, नॉट एग्जैक्टली इंडिया, पाकिस्तान के लोग भी हैं, पाकिस्तान भी है सारा यहाँ पे, शॉप्स हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स सी, दिस इज़ मीना बाजार, राइट नाउ वी आर इन बड़ दुबई.